गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था वरिष्ठ टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, उसके आज आगे मैं बताने जा रहा हूँ। उसके आगे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रिक्शन व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रिक्शन बाय सेम नॉन जीरो नंबर देन ऑब्टेन फ्रिक्शन इज इक्विवेलेंट इज गिवेन फ्रिक्शन। दिया गया है 3.5, 6.10 एंड 9.15। कहने का मतलब वह भिन्न जिसमें हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो को छोड़ के, वो भिन्न क्या होगा, इक्वल होगा। वो फ्रिक्शन आपका क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे देख लीजिए 3.5, 6.10, 9.15। तो 3.5 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा, जो आपका भिन्न आएगा, वो क्या होगा, 3.5 के इक्वल होगा। आपको लिख लिया है यहाँ 3.5, 3.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर दोनों में, तो 2 3 6, 2 5 10, तो 6.10 क्या है, 3.5 के इक्वल है। फिर नेक्स्ट 3.5 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, 9.15। करने का मतलब 3.5 आपका 9.50 के इक्वल है। नेक्स्ट लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर सेम बट न्यूमरेटर आर डिफरेंट आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। भिन्न जिसका डिनोमिनेटर आर सेम बराबर हो लेकिन न्यूमरेटर आर डिफरेंट, आपका न्यूमरेटर क्या हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ एग्जांपल दिया गया है 3.11, 4.11, 5.11, 9.11 ETC, मतलब बहुत सारा। देखिए यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर की संख्या दिया गया है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 11, 11, 11, 11, सभी क्या है, इक्वल है। करने का मतलब जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की संख्या इक्वल हो उसे क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर डिफरेंट और कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल दिया गया है 7.11, 5.13, 9.23 ETC। जिसका डिनोमिनेटर भिन्न भिन्न हो और कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन उसे क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखिए 7.11, 5.13, 9.23 डिनोमिनेटर क्या आपका, यहाँ पे भिन्न भिन्न है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 23 है। नेक्स्ट इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन ए अपॉन बी इज सेट टू बी इरिड्यूसिबल और इन लोएस्ट टर्म ऑफ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 1। कहने का मतलब जो आपका फ्रैक्शन दिया गया है, जो आपका फ्रैक्शन दिया गया है उन दोनों नंबरों का HCF, उन दोनों नंबरों का HCF अगर आपका ओपन आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इरिड्यूसिबल, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। कहने मतलब ए फ्रैक्शन ए अपॉन बी इज सेट टू बी इरिड्यूसिबल आवर इन लोवेस्ट टर्म ऑफ HCF ऑफ ए एंड बी इज 1। जैसे आपका दिया गया एग्जांपल 3.5, तो 3.5 का फैक्टर क्या आएगा, 3 × 1 × 3, ये 1 × 5, तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, ये कॉमन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, ए एंड बी इज 1, अगर दोनों में HCF 1 आ रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में HCF 1 आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन।